नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल अंकल, आज फिर हम लेके आए एक और ब्रांड न्यू वीडियो आपके लिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगी। और 2022 जाते जाते 2023 का स्वागत हम करेंगे बहुत ही हर्षो उल्लास से। आज मैं, क्योंकि बहुत दिन से ना मेरी वीडियोस डिले हो रही थी, उसके बहुत सारे रीज़न थे, जैसे मेरा छोटा सा घर बन रहा है, जैसे मैं माता के, वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था माता, उसके बाद से मैं वायरल फीवर की चपेट में आ गया था, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, गेनिंग चल रही है, लेकिन अब मैं दोबारा से तरीके से रेगुलरली अपडेट रहूँगा। आज की वीडियो थंबनेल से आप समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है इंडिया के भाई यानी कि सलमान खान के ऊपर। जब जब इंडिया में बॉडी और फिटनेस की बात होगी तो एक ट्रेंड सेटर जो है सलमान खान, उसके बारे में हमेशा बात की जाएगी। 90s किड, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो 90s के किड हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल फिटनेस को लेके थे सलमान खान। ये वही शख्स है जिन्होंने बॉलीवुड के थ्रू घर घर तक बॉडी को और फिटनेस को पहुंचाया, इसीलिए हम इन्हें फिटनेस का ट्रेंड सेटर भी कह सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद हमारा जो है सलमान खान की ट्रांसफॉर्मेशन, जो उनकी पहली पिक्चर से लेके अभी हाल ही तक उनके बिग बॉस में जो प्रेजेंट उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के सामने की थी, उस फिजिक तक की ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो होने वाली, क्योंकि सलमान खान का 58 में भी 58वां ही है, बर्थडे आ रहा है 27 दिसंबर को, तो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन फिटनेस की जर्नी रही है आज मैं पूरी वीडियो में विस्तार में आपको बताने वाला हूँ। सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965। अगर देखा जाए तो मेरी एज के जितने भी बच्चे या लोग या भाई ये वीडियो देख रहे हैं, तकरीबन के पिताजी की उम्र एग्जैक्ट इतनी ही होगी। अगर मैं अपने फादर साहब की उम्र बताऊं तो मेरे फादर साहब को 2 साल हो चुके हैं रिटायर हुए, यानी कि वो 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हुए थे, अब उनकी जो आयु है 62 है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1961, यानी कि 4 साल का गैप। अगर बॉडी को आप इतना इजी समझते हैं, जो ये सेलिब्रिटी होते हैं या एक्टर होते हैं या कोई भी क्रिकेटर होता है या कोई स्पोर्ट्समैन होता है, तो इतना इजी नहीं है। इसका एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा है, क्योंकि मैंने 2 रियलिटी शो किए हैं, तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। वहाँ का जो शेड्यूल होता है ड्यूरिंग शूट, अगर कोई पिक्चर का शूट है तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, ऐसे में आदमी को अपनी प्रेजेंस बना के रखना, अपनी हिट कंटिन्यू रखना, अपने शूट कंटिन्यू रखना, उसके ऊपर फिटनेस को मेंटेन करना, जो बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही मुश्किल। अब हम बात करेंगे सलमान खान की पहली पिक्चर यानी कि मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी 19 दिसंबर 1989 को। हालांकि ये सलमान खान की पहली पिक्चर नहीं है, जो सलमान खान के फैन या सलमान खान के बारे में जानते हैं, उनकी पहली पिक्चर थी बीवी हो तो ऐसी, जो थी 1988। 22 अगस्त 1988 को सलमान खान की पहली पिक्चर रिलीज हुई थी, जिसमें उनका थोड़ा सा साइड रोल था, लेकिन जो मेन पिक्चर उनकी आई थी वो थी मैंने प्यार किया। इस पिक्चर में वो हालांकि बहुत ही दुबले पुतले और बहुत ही सिंपल गाए थे, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपनी जगह जगह पर बॉडी की प्रेजेंस दी, क्योंकि उन्हें शौक था फिटनेस का। पहली पिक्चर सुपर हिट होने के बावजूद उनके खाते में कोई ज़्यादा स्पेशल पिक्चर्स नहीं थी। अगर हम साजन मूवी को छोड़ दें बीच में, तो उसमें संजय दत्त की एक्टिंग को सराहा गया, तो उनके खाते में कोई इतनी बड़ी पिक्चर हिट नहीं थी। वहीं बॉडी के बारे में भी उनका कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रीन पे प्रेजेंस नहीं था। संजय दत्त के दोस्त बनने के बाद, क्योंकि 90s में संजय दत्त ने फिटनेस को अपनाया था और उन्होंने बॉडी बिल्डिंग यानी कि जिम को, वर्कआउट को शुरू किया था और इंट्रोड्यूस किया था अच्छी फिजिक को पर्दे पे, लेकिन वहीं दुर्भाग्यवश संजय दत्त के ऊपर लग जाती है टाडा और वो चले जाते हैं जेल। अब जो सारा दारोमदार होता है 90s के हीरो पे, क्योंकि उस समय पे जो हीरो थे उनके लिए फिटनेस इतना बड़ा गोल नहीं था, जैसे कि जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, ये सब प्रेजेंस रहते थे कि भाई गोविंदा अच्छे दिखते हैं, बस फेस से ही इनकी और एक्टिंग से ही इनकी वैल्यू नापी जाती थी। एक डिजास्टर मूवी, हालांकि वो उस टाइम पे अगर देखें तो अच्छी लगेगी, 7 फरवरी 1992 को, जिसमें सलमान खान की बॉडी की प्रेजेंस फिर झलक दिखाई देती है, वो थी सूर्यवंशी। मुझे नहीं पता वो हिट थी फ्लॉप थी, लेकिन उसमें उसके ऊपर रोस्ट बहुत बने हैं, जैसे सलमान खान के खुद भी, सलमान खान ने उस पिक्चर को रोस्ट किया है कि उनके बाल तो थे गोल्डन कलर के लेकिन चेस्ट पे ब्लैक, और उसमें उन्होंने कई बार अपनी तलवार के साथ बॉडी को दिखाने की कोशिश की थी। तब के हीरो इस तरह के रोल नहीं करते हैं, लेकिन सलमान खान ने
एक शुरुआत तो कर दी थी। सलमान खान की दूसरी सबसे बड़ी पिक्चर आती है 5 अगस्त 1994 को, यानी कि 1994 में हम आपके है कौन। पहली पिक्चर मैंने प्यार किया और हम आपके कौन दोनों सूरज बढ़ जाते थे, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया था और वो पिक्चर उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हिट भी है। लेकिन वही बॉडी की बात की जाए तो इस पिक्चर में भी उन्होंने कोई ऐसा बॉडी का रोल नहीं किया था। इससे ठीक अगले साल फिल्म आती है 13 जनवरी 1995 को, बहुत बड़ी हिट करण अर्जुन, जिसमें शाहरुख खान इनके साथ थे और सलमान खान को यहाँ पे कई जगह पे बॉडी दिखाते हुए नजर आया। हालांकि वो पूरी पिक्चर में टी शर्ट पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, लेकिन उनकी बॉडी इम्प्रूव हो चुकी थी। यानी कि जो हम 1989 के सलमान खान को देखते हैं, 1994 के सलमान खान में चेंजेस आने शुरू हो चुके। लेकिन सबसे बड़ी धमाकेदार बॉडी की प्रेजेंस उनकी उससे ठीक बाद वाली फिल्म यानी कि वीरगति, मेरा उसमें क्लाइमेक्स सीन बहुत फेवरेट है। अगर आपने वीरगति नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, सलमान खान उसमें एग्रेसिव बॉडी के साथ पर्दे पर आते हैं। ये फिल्म रिलीज हुई थी 29 सितंबर 1995 को और यहाँ पे ना एकदम से लोगों के जो दिमाग में था ना, एकदम से नया सलमान खान, जो दुबला पतला सिर्फ प्यार मोहब्बत के रोल करने वाला था, अब वो एक्शन हीरो और बॉडी के साथ उतर चुका था बड़े पर्दे पर। यहाँ पे उसकी हर जगह पे बॉडी की बात हो रही थी। साल आता है 1998 और सलमान खान का एक्स फैक्टर, यानी कि जो बॉडी को लोग देख रहे थे, अब उसमें एक यूनिक मोड़ आता है, प्यार किया तो डरना क्या। वो गाना आज तक लोगों की जबान पे है। जी हाँ, मेरे से पहले आप जान चुके होंगे मैं ओ जाने जाने की बात कर रहा हूँ। अब सलमान खान इस गाने के बाद लाखों दिलों पे छा चुके थे और इस गाने के बारे में किस्सा ये भी है कि सलमान खान की जो शर्ट थी जो वो पहनने वाले थे वो उनके शूट तक नहीं पहुंची थी, तब ये डिसाइड हुआ कि इस गाने को फिल्माया जाएगा बिना टी शर्ट या बिना शर्ट के। और ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि घर घर तक सलमान खान के पोस्टर पहुंच चुके थे, घर घर में रोल मॉडल एज ए फिटनेस सलमान खान छा चुके थे। बहुत सारे लोग, मीडिया सिर्फ उनकी बॉडी की और उनकी डाइट के बारे में बात करने लगी थी। जहां दुनिया उन्हें बैड बॉय मानती थी, वहीं उन्होंने एकदम से अपने आप को एज ए फिटनेस रोल मॉडल मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। ये गाना इतना बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ कि इसके बाद सलमान खान ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा एज ए स्क्रीन पे बॉडी को लेके। अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे अच्छी बॉडी की बात की जाए तो मेरी जो पसंदीदा बॉडी है वो सलमान खान की बंधन मूवी में 2 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई बंधन फिल्म में जब क्लाइमेक्स में सीन आता है तो ये फिजिक किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं थी सलमान खान की। अब जब 10 साल हो चुके थे बॉडी पे काम करते करते सलमान को, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ जो ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने की थी ना, ये कोई शॉर्टकट नहीं था, ये हार्डकोर सिर्फ मेहनत से थी। क्योंकि आजकल के जितने भी हम हीरोज देखते हैं उनकी बॉडी में इंस्टेंट चेंज आते हैं, उनकी बॉडी में बहुत फाइबर होते हैं, मस्कुलर होते हैं, लेकिन सलमान खान की बॉडी को आप ट्रांसफॉर्मेशन को देखोगे ना, ये पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 1988 तक जो बंधन मूवी तक की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो बॉडी सलमान खान की दिखाई दी है वो बहुत स्लो प्रोग्रेस के साथ और कहीं भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक उनकी नहीं थी कि जो अचीव नहीं की जा सकती नेचुरल। अब जैसा कि साल चल रहा है 2022 और इससे पहले सलमान खान की कोई ही ऐसी पिक्चर होगी जिसमें सलमान खान ने पब्लिक के सामने शर्ट ना उतारी हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, इस तरह की फिजिक बनाना, इस तरह का मेंटेन करना अपने आप को, जबकि लाखों लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं बॉडी को लेकर कि सलमान खान की बॉडी अच्छी नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ कि सलमान खान की और एक्टर से बॉडी अच्छी नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड सेटर होता है हमेशा जो श्रेय है उसी को जाना चाहिए। आज सलमान खान 58 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो बॉडी बिल्डिंग को दिया है, जो फिटनेस को दिया है, वो कभी भी नकारा नहीं जा सकता। जैसे 90s का किड मैं भी हूँ, वैसे तो मेरा 88 का बर्थ है, लेकिन मैंने जितनी भी उनकी मूवीज देखी है, मेरे को कभी भी किसी इंसान से आप अच्छाई और बुराई दोनों ले सकते हो, लेकिन सलमान खान से उनकी नेगेटिव चीज़ों को हटा दिया जाए तो यंगस्टर में बॉडी को लेके वो सबसे ज़्यादा फेमस थे, है और शायद आगे भी रहेंगे। उनको देख देख ही बहुत सारे हीरोज ने अपनी शर्ट उतारना शुरू किया, अपनी फिजिक पे काम करना शुरू किया। ऋतिक रोशन जो लाखों दिलों की धड़कन है, रोल मॉडल है एज ए फिटनेस भी और एज ए एक्टर भी, उन्होंने भी सलमान खान को देख के ही शुरू किया, वो सारा क्रेडिट जो है सलमान खान को देते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक जो पहल है इंडिया में जो ग्लैमराइज किया है फिटनेस को, उसमें सारा श्रेय सलमान को जाता है। आज भी अगर उनकी बॉडी देखी जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन एज फैक्टर
अब ये देखिए कि इस एज में आके भी, अभी एक एक दिन बिग बॉस के अंदर उन्होंने अपनी शर्ट दिखाई थी जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा जो बहुत ही यंग है उनके भी फिजिक इतनी अच्छी नहीं है उनके सामने, तो वो अपना खाने का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, और ये सालों की मेहनत है और हम इसमें शॉर्टकट नहीं कह सकते। अभी बिग बॉस में एक मैंने एक सीन देखा था जिसमें वो शालीन को बोलते हुए पाए गए कि तुझे तेरी स्टीरोइड की वाली बात मैं बताऊं क्या, तो मतलब ये आदमी कॉन्फिडेंस जब ही दे सकता है जब उसने सालों फिटनेस को दिए हों। और वो हमेशा से कहते हैं यार मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग डाइट को किसी तरह के मैनिपुलेट करते हैं। तो हम अगर देखें सलमान खान की जर्नी अकॉर्डिंग टू मी, जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ बड़े पर्दे पे छोटे पर्दे पे, तो बहुत इंस्पायरिंग है और इसमें मुझे नहीं लगता कोई शॉर्टकट, क्योंकि उन्होंने वो लेवल की जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन, आर्नोल्ड, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन, टाइगर या कोई भी अगर आप एक्टर लो तो उस तरह की श्रेडिड बॉडी उन्होंने नहीं बनाई है। तो हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या पता उन्होंने लिया उन्हें, लेकिन इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि एक 23 साल का लड़का जो पिक्चर में आता है जो बॉडी से बिल्कुल भी नहीं लगता है कभी बॉडी अचीव करेगा, वो रोल मॉडल बनता है इंडियन यूथ का। तो ये बहुत इंस्पायरिंग है और अच्छी चीज़ें ग्रैब करना आपके हाथ में ही। छोटी सी वीडियो ट्रिब्यूट थी उनके बर्थडे पे, एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर मेरा फर्ज बनता है जिन लोगों ने ट्रेंड दिया है उसके बारे में हम बात करें। एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर, एज ए बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करते हुए प्यार करते हुए हमेशा सलमान खान को भी देखा गया है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग इवेंट हो, चाहे वो किसी बॉडी बिल्डर को अप्रिशिएट करना हो या फिर फिटनेस को प्रमोट करना हो। जैसे उनका खुद का ब्रांड भी है और जैसे उनकी हर जगह पे एक प्रेजेंस रहती है फिटनेस को लेके, तो ये एक ट्रिब्यूट था उनके 58 बर्थडे पे। और उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो फटाफट लाइक कमेंट और शेयर कर दो। और उनकी जर्नी अकॉर्डिंग टू मी मैं नेचुरल मान सकता हूँ, अगर आप नहीं मानते तो आप एक 23 साल अपनी बॉडी को दीजिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा। और ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी उनकी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी, एज, वर्क, प्रोग्रेस, जब थोड़ा पैसा और नाम कमा लेते हैं ना तो आलस हमारे अंदर भी आ जाता है, वो चीज़ को साइड रख के एक लॉन्ग पीरियड तक अपने आप को फिट रखना, मोटिवेट करना पब्लिक को और इंस्पायर करना फिटनेस पे, तो वो बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें रूबल धनखड़ फिटनेस। फॉलो करना ना भूलें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह सेम नेम। Love you all. Take care.